पूरी दुनिया आज जिस कोरोना से जूझ रही है, सहमी हुई है। चारों ओर एक भय का माहौल है। हर चीज, हर सामान में एक भय है, एक शंका है। कोरोना का इलाज आज दुनिया के कई देश खोज रहे हैं। कोरोना से चल रही इस जंग के बीच जो वक्त आपको घर पर मिला है, उसकी खूबसूरती पर गौर करो ना। आज घर में बैठे उन कामों को करो ना जिन्हें जिंदगी ने सोचा था कभी। घर में बैठे हुए रिश्तों की गांठों को मजबूत करो ना। जरा पीछे जाओ और कुछ पुराने गुदगुदाते वक्त को याद करो ना। घर पर पुराने एल्बम से कुछ यादें ताजा करो ना। कब तक इस डर से खौफ खाते रहोगे? अपने भीतर छुपे डर को आज आजाद करो ना। क्या बचपन के बाद कभी गर्मी की इतनी छुट्टियां मिली थी? गर्मी की उन छुट्टियों को याद करो ना। क्या ये वक्त उन्हीं गर्मी की छुट्टियों की तरह नहीं? तो इस वक्त में कुछ नया करो ना। कुछ पुराने छूटे हुए हुनर की ओर रुख करो ना। कब तक दिल ही दिल उन्हें याद करोगे? वक्त है तो बचपन के पुराने दोस्तों को कॉल करो ना। क्या कुछ और अच्छा किया जा सकता है इस वक्त में? इन बातों की खोज करो ना। क्या इस खाली वक्त में व्यक्तित्व का विकास संभव है? क्या हम कुछ नए आयामों को अपने व्यक्तित्व में जोड़ सकते हैं? अगर हाँ तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो ना। क्या इस खाली वक्त में संगीत से दोस्ती की जा सकती है? किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखा जा सकता है? तो फिर संगीत से मन को शांत करो ना। कुछ वक्त अपने शरीर के लिए रखो। सुबह कुछ देर के लिए व्यायाम करो ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक और जहां कोरोना से सारी दुनिया सहमी हुई है, डरी हुई है, वहीं दूसरी ओर इस मुश्किल घड़ी में भी आपको आपके परिवार का साथ मिल रहा है। परिवार के साथ बिताने के लिए वक्त मिल रहा है, तो इस वक्त का भरपूर उपयोग करो ना।